हेलो यूट्यूबीज, जय माँ वैष्णो, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। हम अक्सर देखते हैं हम बहुत ही अकेला महसूस कर लेते हैं, छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल फील करने लग जाते हैं, पूरा दिन उनका निकल जाता है, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, अपनी फेवरेट चीजें वो कर नहीं पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आज मैं आपको ऐसी 5 प्रो टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आप अपनी इसको डेली लाइफ में ऐड कर लेना तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी और आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली टिप है जल्दी उठना। हम सब ये सुनते तो हैं कि जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, लेकिन 2 दिन करते हैं फिर वापस नींद आने लग जाती है, और सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं उठा जाता। देखो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले मैं 8 या 9 बजे करीब उठा करती थी सुबह, मानोगे नहीं, खाने नहाने में 12-1 बज जाते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि दिन कब निकल गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई और पूरा दिन निकल गया, ऐसे होता था। और एनर्जी इतनी लो फील होती थी मुझको, इतनी लो, कुछ भी करने का मन नहीं, दिन भर बस आलस ही आता था। लेकिन जब से मैंने जल्दी उठना शुरू करा, इसके मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। बहुत सारे फायदे में मैं आपको 3 तो अभी ना सकती हूँ। सबसे पहला फायदा जो मुझे हुआ है, मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया है मेरे लिए, चीजें करने के लिए। पहले जिस काम को करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे, और अब जल्दी उठने से मेरे को 1.5 या 2 घंटे में हो जाता है वो सारा काम। उसके बाद का सारा समय मेरे लिए फ्री ही फ्री है। दूसरा बहुत बड़ा अच्छा है मुझे इसका फायदा हुआ है, वो ये कि मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है मुझे, मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजें सोच पाती हूँ। जो चीजें मेरा पहले करने का नहीं मन करता था, मेरा मन वो भी चीजें करने का मन करता है। आई डोंट नो कैसे, पर ये इसी से हुआ है फायदा। और तीसरा बहुत अच्छा फायदा मुझे इससे ये हुआ है कि भूख बहुत ज्यादा लगने लग गई है, क्योंकि पहले क्या होता था, आधा समय तो सोने में ही चला जाता था, अब मैं उस सोने के समय को काट कर उस समय उठने लग गई हूँ, तो मेरे पेट को ज्यादा भूख लगने लग जाती है। तो आप ये मानिए कि दिन के 1-2 बजे तक मुझे 2 या 3 बार भूख लग जाती है खाने के बाद भी, तो भूख भी मेरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है सुबह जल्दी उठने की वजह से। तो ये सारे फायदे थे जो मैंने नोटिस करे हैं अभी कुछ टाइम से, तो मैंने आपके साथ शेयर करा है। आप भी जल्दी उठिए और आप भी खुद रिजल्ट्स देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों के भी क्या फायदे हुए आपको ये करने से। लेकिन फायदा तो होगा फॉर श्योर, इसकी तो गारंटी ले लो। दूसरी टिप भी हम सबसे सुनते हैं लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं, वो है सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी पीना। देखिए गर्म पानी पीने के आप गूगल कर लीजिए कितने फायदे हैं, हर चीज़ में उसके फायदे ही फायदे हैं, पानी तो आपको फायदा ही देगा। तो जितना हो सके पानी पीजिए, सुबह उठकर तो गर्म पानी ज़रूर ही पीजिए। जब आप सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीते हैं तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और आपके अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए आप जितना हो सके पानी को पीजिए, हाइड्रेट रहिए ताकि आपकी स्किन भी अच्छी लगे, आप भी अच्छे अच्छे रहें और आप हेल्दी भी रहें। तो दूसरी टिप को बिल्कुल नहीं भूलना है, जो कि है पानी पीना। जो ये तीसरी टिप है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है करना। देखिए जब आप भगवान के समीप होते हैं ना, तो आप अपने नेचुरल तरीके में होते हैं, ठीक है, आपका नेचुरल फॉर्म बाहर निकलता है, आप ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं, आपके सोचने की चीज़ बढ़ जाती है, नेगेटिव सारे ख्याल दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने दिनचर्या में भगवान की जो एंट्री है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप भगवान के साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा ज़्यादा समय बिताइए, पूजा करिए, अच्छा काम करिए, आपको ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा मैं आपको बता नहीं सकती, वो आप खुद ही फील कर सकते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर आप जब भगवान के पास आते हैं, माहौल इतना शांत होता है, सब इतना शांत होता है, एक अंदर ही एक अलग सा पीस महसूस होता है, फिर पूरा दिन शांति में ही जाता है। आप बहुत अच्छे से चीज़ें सोच पाते हैं, डिसीजन बहुत अच्छे ले पाते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं किसी भी बात को लेकर, बहुत जल्दी एग्रेशन नहीं आता है आपको। तो ये सब भगवान की एनर्जी है, उन्हीं की एनर्जी है जो हमको मतलब ये सारे काम करने में हेल्प करती है। और सुबह के टाइम में एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाहर का माहौल बहुत शांत होता है और हमारे अंदर भी बहुत शांति होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह का समय अपने साथ बिताइए और भगवान के साथ बिताइए, आपका पूरा दिन बहुत ही आराम से शांति से गुजरेगा और बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आप सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है और बहुत अच्छे से उसे कर भी पाएंगे। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 के ऊपर।
टिप नंबर 4 बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मत इग्नोर करिए, प्लीज़ इसे मत इग्नोर करिए। आजकल हम बहुत ही जल्दी जो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, लोगों पे बहुत डिपेंडेंट रहने लग गए हैं कि अगर हमें कोई ज़रा सा भी डांट देता है, ज़रा सा भी कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हम कितने अकेले हैं, कोई हमें पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई प्यार करने वाला है, हम बहुत ही अकेला महसूस होने लग जाते हैं। हम खुद को नहीं जानते हैं, खुद के साथ रहना नहीं जानते हैं, खुद को प्यार करना नहीं जानते हैं, इसीलिए हम पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और जब दूसरा हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार करता है तो हमको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और हम अकेला महसूस होने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद से प्यार करेंगे, हम तो अपने आप को हर्ट करेंगे नहीं और हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए 4th टिप है मी टाइम। एक पूरे दिन में कुछ समय अपने लिए निकालिए जिसमें आप अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ करिए। आपको डांस पसंद है वो करिए, खेलना पसंद है वो करिए, मेकअप करना पसंद है वो करिए, अच्छे से ड्रेस होना पसंद है आप वो करिए, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो सब करिए, आप वो सब करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप मोटिवेट रहते हैं। अपने लिए समय निकालिए, अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए समय निकालिए। आपको जर्नल करना पसंद है आप वो करिए, राइटिंग पसंद है वो करिए, सिंगिंग करना पसंद है वो करिए। खुद की गलतियों को लिखिए, अपनी कमियों को लिखिए कि आप किस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं बहुत जल्दी, कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार परेशान करती है लेकिन आप उसको नहीं सही कर पा रहे। आपकी कोई भी कमियां हो सकती है, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा मुझे एग्रेशन आ जाता है तो मैं उस कमी को नोट डाउन कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इस कमी पर हर दिन काम करूँ। भले ही मैं उसे पूरा ख़त्म ना कर पाऊँ लेकिन उसे कंट्रोल ज़रूर कर पाऊँगी। तो आप भी ऐसी अपनी कमियों को नोट डाउन कर लीजिए, आपको जो लगता है कि आपको बार बार परेशान करती है और बार बार आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, आप बहुत इरिटेट हो गए, आप इसको बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे। एकदम से कुछ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे उन्हें लिखिए। पहले इम्पॉर्टेंट है अपनी कमियों को पहचानना। जिस दिन आप उसको पहचान जाएंगे और पहचानेंगे तभी जब आप अपने साथ समय बिताएंगे। अपने साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं ना तो आप अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, क्या आप में अच्छा है, क्या आप में बुरा है, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सब आप समझने लगते हैं। तो इसीलिए अपने साथ एक बॉन्ड क्रिएट करिए, जो आप दूसरे के साथ चाहते हैं वही बॉन्ड अपने साथ क्रिएट करने की कोशिश करिए। अपना बेस्ट फ्रेंड बनिए, अपना गुरु बनिए, सब चीज़ अपना खुद करिए। तो अब हम आ गए हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो लास्ट टिप है, एक्सरसाइज करना, अपने शरीर की मूवमेंट करना। देखिए, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने जीवन में, आपको समय नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। भले ही आप 1 घंटा मत दीजिए, 2 घंटा देने के लिए आपको कोई नहीं बोला है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग कर लीजिए। नॉर्मल लंजेज और स्क्वाट्स और ईजिली हाथों को मूव करने वाली एक्सरसाइजेस, ये सब कर लीजिए, वही आपके लिए इनफ है। लेकिन आपकी बॉडी की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए एक्सरसाइज को अपना समय दीजिए। जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज करिए, बाहर जाइए, टहलिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए ताकि आपका जो शरीर है उसकी मूवमेंट हो सके। मूवमेंट होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छा। जब ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगेंगे ना तो आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे, आप खुद समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है अपनी डेली लाइफ में इनको ऐड ऑन करना और इनको अपना डेली लाइफ का ही हिस्सा मान लेना। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 1 दिन करनी है या 2 दिन करनी है, ये परमानेंट साथ चलने वाली चीज़ें हैं जिससे आप ही को फ़ायदा होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को 1 हफ्ता ही भले, 1 मंथ ही ऐड करके देखिए। तो यही वो 5 टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इन टिप्स से मुझे तो पर्सनली बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग भी इसको अडॉप्ट करके देखिएगा और नोटिस करिएगा कि आपके जीवन में भी इससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माँ वैष्णो।